एक सक्सेसफुल बाप की दो संतानें हैं और एक सक्सेसफुल है और एक फेल है। एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी दो संतान है, एक सक्सेसफुल है और एक फेल है। क्रिश्चियनिटी में आने के बाद, मसीह यीशु में आने के बाद, सिर्फ इतना है कि वो आपका परमेश्वर है, ये आपकी सफलता की गारंटी नहीं। बाइबल कहती है अपने अपने उद्धार के लिए क्या करते जाओ, काम करते जाओ। इसका मतलब, उद्धार का मतलब अकेला आत्मिक उद्धार नहीं, उद्धार का मतलब शारीरिक उद्धार भी है, फाइनेंशियल उद्धार भी है, उद्धार का मतलब नेशनल उद्धार भी है, फैमिली का उद्धार भी है, आत्मिक उद्धार भी है। और बाइबल कहती है अपने अपने उद्धार के लिए क्या करते जाओ, काम करते जाओ। इसका मतलब जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आए, उसके बाद परमेश्वर आपको जिम्मेवारी देता है कि आप अपने उद्धार के लिए, अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपने छुटकारे के लिए, आपका हो चुका तो अपनी फैमिली के छुटकारे के लिए आप काम करें। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, जब तू काम करेगा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। इसका मतलब पहल किसको करनी है, आपको। बाइबल कहती जब वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत परमेश्वर से चंगी हुई तो पहल किसने की, उस औरत ने। उसने फैसला किया कि मैं चल के जाऊंगी, बावजूद इसके कि मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकती। शैतान 100 तरह के उसको ऑप्शन दे रहा था, लेकिन बाइबल कहती उसने फैसला किया जाने का और परमेश्वर को छुआ और अपने उद्धार को पाया। हाँ या ना? फिजिकल उद्धार को पाया, हीलिंग ली, आत्मिक उद्धार को पाया। उसके बाद उसे मालूम था कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मुझे अब सारी उम्र इसको फॉलो करना है और पाप से दूर रहना है। आमीन। आज अगर आप मसीह में आ चुके हैं, बाइबल कहती है आपको अपने उद्धार के लिए क्या करना है, काम करना है। आमीन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो वचन आपके हाथ में है, जो पवित्र बाइबल आपके हाथ में, ये सबके हाथ में है, ये सारे पास्टर्स के हाथ में, ये सब लोगों के हाथ में। लेकिन कोई सक्सेसफुल है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत कम है। कोई एक गवाही के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई हर हफ्ते आके गवाही दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची है गवाही, हमारी तो एक नहीं बन रही और ये हर हफ्ते दे रहा है। बात यह है कि जो वचन आपके हाथ में है, आपने उसे कितना सीरियसली लिया है या आपने उसको कितना काम में लाया है। ये उस व्यक्ति के समान है कि कार दोनों ने ली है, पर एक बंदा उस कार को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे ने घर में खड़ी करके रखी। मैं आपको आपकी भाषा और आपके हिसाब से समझा रहा हूं ताकि वचन आपके ऊपर से ना जाए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बात करते थे तो उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स देके उन्हें समझाते थे और लोगों को अच्छी तरह समझ आता था। हालेलुया। अब मसीह में आने के बाद आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने आप को इक्विप करें, अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट करें, अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाएं जिसने सारे हथियारों को धारण किया हो और वो परमेश्वर के वचनों को पूरी तरह से जानता हो, ताकि शैतान किसी भी तरह का फायदा उसकी जिंदगी से ना उठा सके। हालेलुया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें बाइबल में मिलता है, वो है अय्यूब का। अय्यूब अगर आप बाइबल में देखें तो परमेश्वर उसके विषय में एग्जाम्पल देता है। और जब शैतान दूतों के साथ परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर कहता है, ओ शैतान कहां से आया, धरती पर कहता डोलते डालते और घूमते घामते आया हूं, मेरे दास अय्यूब को देखा। हाँ देखा, देखा मेरे दास अय्यूब के जैसा। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा डर मानने वाला, मेरा बुराई से दूर रहने वाला, खराई से चलने वाला मनुष्य धरती पे कोई नहीं। शैतान कहता है वो तेरा डर ऐसे थोड़ी मानता है, तूने उसके काम के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर आशीष दी है, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, मैं उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। वो इसलिए तेरा डर मानता है कि तूने उसको बहुत ब्लेस किया। बाइबल कहती पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। और परमेश्वर और शैतान की बातचीत शुरू होती है और शैतान परमेश्वर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और बताने की कोशिश करता है कि वो तेरा डर इसीलिए मानता है, तूने बरकत दी है, अगर तू बरकत वाला हाथ उठा ले उसकी जिंदगी से तो वो तुझे गाली देगा और तुझे छोड़ देगा। हालेलुया। हम ये बाइबल में बात देखते हैं कि परमेश्वर कहता जा, चला जा, पर उसके प्राण को छोड़ देना। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आपको अच्छी तरह से समझना। अगर अय्यूब ने आशीष को पाया, वो किसी कारण पाया था, हाँ या ना?
मान लो वो फिजिकली या फाइनेंशियली बहुत ब्लेस्ड था, बाइबल कहती पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था, इतने हजार उसके पास भेड़े थी, इतने सौ ऊंट थे, इतने हजार उसके पास गधियां थी, आज के जमाने के मतलब कह सकते हैं कि बड़ा तगड़ा ट्रांसपोर्टर है जी, हजार ट्रक है जी इसके पास, 200 छोटी गाड़ियां जी इसके पास, बड़ा तगड़ा ये ट्रांसपोर्टर है, बहुत पैसा है इसके पास। वो तब के जमाने का आप लगा लो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर, सबसे बड़ा डेयरी वाला, सबसे बड़ा ऊन वाला, क्योंकि भेड़ों का वो ऊन तो लेता होगा, यानी वो पूर्वी देशों में लिखा सबसे बड़ा था। अगर वो सबसे बड़ा था तो उसका रीजन था, अगर वो फाइनेंशियली बड़ा होगा तो श्योर है कि वो टाइट देता होगा, क्योंकि बाइबल भी कहती वो विधवाओं का, वो अनाथों का, वो परदेशियों का सहायक था, तो उसने सारी चीजें की होगी, जाहिर है इसलिए वो ब्लेस था, हाँ या ना। जो लोग कहते हैं कि ब्लेसिंग शैतान की ओर से, तो यहां पे शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि तूने उसको क्या दिए, बरकत दी कि मैंने दिए। शैतान ने क्या कहा, तूने दिए कि मैंने दिए? कहता तूने उसके कारोबार पर क्या दिए, तूने उसकी फैमिली पे क्या दिए, आशीष दिए। इसका मतलब आशीष कौन देता है, शैतान के परमेश्वर, परमेश्वर देते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आशीष दी तो उसका एक रीजन था, वचन पे चलना। अय्यूब वचन पे चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती जिस परदेशी को वो नहीं जानता था और उसे पता लगता था कि उसको जरूरत है किसी पैसे की, किसी इलाज की, किसी मदद की, बाइबल कहती वो उसको पुछवा भेजता था, बहाने के साथ उसको उसको मदद कर देता था, लोगों को भेजता था, अपने बंदों को भेजता था, उसे पूछकर उसकी मदद होती थी। बाइबल कहती अनाथ और विधवा आनंद के मारे गाते थे जब वो अय्यूब से मिलते थे, यानी वो उनको बड़ी बरकत देता था, हाँ या ना। इसीलिए बाइबल कहती वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, क्योंकि बाइबल कहती अगर आप कंगाल को देते हैं तो आप यहोवा को उधार देते हैं, एक जेंटलमैन आपका उधार कभी नहीं रखता, तो परमेश्वर रखेगा, और जब वो वापिस करेगा उतने ही करेगा कि ज्यादा करेगा, वो ज्यादा करेगा। अय्यूब को सारे सीक्रेट मालूम थे, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर शैतान को आज्ञा नहीं दे सकता था कि वो अय्यूब को जाए और छुए अगर अय्यूब में एक कमी ना होती तो, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक टाइटर है, मान लो एक टाइट देने वाला है, एक बंदा सब बीजों को बोने वाला, अनाथों की हेल्प करने वाला गिवर है, वो गरीब नहीं हो सकता। अब परमेश्वर शैतान को नहीं कह सकता कि जाके उसे गरीब कर दे, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। अब हुआ क्या, अब हम पढ़ेंगे उस हुआ क्या को सुनने के लिए, अय्यूब की पुस्तक 3 उसकी 25 आयत में लिखा हुआ क्या अय्यूब के साथ। उसमें लिखा अय्यूब ने कहा, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। यह अय्यूब के गिरने का कारण था। अपने पड़ोसी से बोलो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। ऊंचे वादे बोलो मत डर, फिर से बोलो मत डर, प्रोफेसी करो बोलो मत डर। उसने कहा जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, बहुत पैसा आ गया है लेकिन दिल में एक डर है, क्या फियर है, वो किसी दिन मेरे पे अटैक ना हो जाए, ओ किसी दिन मेरा पैसा ना खो जाए, ओ मेरे बच्चे बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, ओ किसी दिन इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, ओ मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, ओ किसी दिन इसको हार्ट अटैक ना हो जाए, ओ मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, किसी दिन इस पे अटैक ना हो जाए, डर। कहता जिस डरावनी बात से मैं क्या करता हूं, डरता हूं, पढ़ो उसको अपनी स्क्रीन पे। कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ जाती है। कहता जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। ये रीजन था, क्योंकि अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को देखें, जब वो जा रहे थे, बाइबल कहती अंधे ने कहा हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, बाइबल कहती यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, उसको सुना उसने इग्नोर कर दिया, और यीशु मसीह आगे चल गए अनसुनी करके। जब अंधे को मालूम हुआ कि मेरी सुनी नहीं गई, और चिल्लाया ऊंची आवाज में चिल्लाया, चेलों ने चुप कराया, फिर भी चिल्लाता रहा, परमेश्वर ने बुलाया, बोला क्या बात है क्यों चिल्ला रहे? उसने कहा परमेश्वर मैं अंधा हूं, क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं देखना चाहता हूं, देखने लग। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया। अगर विश्वास
एक अंधे को आंखें दे सकता है। विश्वास का उल्टा है डर। एक डर एक व्यक्ति को अंधा भी कर सकता है। अगर विश्वास आपको दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकता है, वही डर आपको दुष्ट आत्मा के बंधन के नीचे भी रख सकता है। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। वचन क्या है? अगर आपके अंदर फेथ है कि मैं बढ़ने वाला हूं, आप बढ़ते हैं। और जब आपको डर होता है मैं कहीं कम ना हो जाऊं, आप कम होते हैं। बाइबल कहती जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। अब परमेश्वर ये बात जानते थे कि शैतान जितनी मर्जी आज्ञा मुझसे मांग ले वो अय्यूब की जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने नीचे देखा, अय्यूब की जिंदगी में एक कमी आ चुकी थी, वो कमी थी डर की। और जब वो कमी परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने कहा ठीक है अब तू उसकी जिंदगी में जा सकता है और काम कर सकता है, लेकिन उसके प्राण को हाथ मत लगाना। हालेलुया। तब वो बाड़ा जब टूटेगा तब सांप अंदर आया। क्योंकि वही सांप, वही शैतान कहता है कि मैं बहुत बार उसकी फैमिली को टच करने गया हूं, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ। बहुत बार मैं उसके बिजनेस को हिलाने गया हूं, तूने उसके पास चार दीवारी की हुई। बहुत बार मैं उसके सब उसके शरीर को छूने गया हूं, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ। परमेश्वर कहते अब वो बाड़ा टूट चुका है। क्यों? क्योंकि डर के कारण। विश्वास से बिल्कुल उल्टा है डर। इसलिए बाइबल कहती है नए नियम की उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमोथियुस 1:7 में लिखा कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं। बोलो परमेश्वर ने हमें डर की नहीं। ऊंची आवाज बोलो डर की नहीं। बोलो कोई डर नहीं। फिर से बोलो कोई डर। चिल्ला के, चिल्ला के, चिल्ला के। उसने कहा उसने तुम्हें डर की आत्मा को नहीं दिया, तुम्हें प्रेम की, संयम की, सामर्थ की आत्मा दी। शैतान देखता तुम डर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कहीं तुम्हें कैंसर ना हो जाए। वो कैंसर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा क्योंकि तुम्हें फियर है, तुम्हें डर है। तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के ना चला जाए। तुम्हें डर है तुम्हारा बच्चा बिगड़ ना जाए। तुम्हें डर है और ये डर शैतान सूंघता है। गली में जाओ ना, कुत्ता आपका डर सूंघ लेता है। उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है, वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। अगर कोई व्यक्ति डर रहा हो कुत्ते से तो उसको स्मेल आती है कि ये बंदा डर रहा है। हार्मोन से जज नहीं करता, उस हार्मोन से वो सूंघ लेता है कि ये व्यक्ति डर रहा है। और अगर आप डरे डरे ना तो वो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहता। शैतान उस कुत्ते की तरह है। अगर उसने देख लिया आपके अंदर डर है, वो उस डर का इस्तेमाल करेगा आप ही के खिलाफ। क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर जिस वचन के जरिए आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, वो आपके बिजनेस को ब्लेस करे, उसी वचन को वो खुद तोड़कर शैतान को बोले जाओ और इसे मार दे। ऐसा नहीं हो सकता, ये वचन के खिलाफ है। परमेश्वर खुद अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। बाइबल कहती है वो अपने नाम से भी बड़ा महत्व किसको देता है? अपने वचन को। वो अपने वचन के खिलाफ खुद नहीं जा सकता। बाइबल कहती है जिस डरावनी बात से, अय्यूब की पुस्तक 3:25, मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती। आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में कौन सा डर है। आज फर्स्ट मीटिंग है नखामरा में, यीशु मसीह के नाम में वो डर साइलेंस हो चुके हैं। मैंने कहा वो डर साइलेंस हो चुके हैं। मैंने कहा वो फियर कैंसल हो चुके हैं। और आपका आमीन अगर हूं चाहिए आशीष आपकी। वो डर इस बात का सबूत है कि वो चीज आपके साथ कभी नहीं होगी। नेवर, कभी नहीं होगी। उसे अंगीकार मत करना। हालेलुया। वो ग्रोथ हो गई। ग्रोथ कैंसर तो नहीं है, मैं ना मरूंगा वरन, और परमेश्वर के कामों का वर्णन। मैं ना मरूंगा वरन, और परमेश्वर के कामों का वर्णन। वो वचन जो आपके मुंह से निकलेगा, वो नहीं जो आपके दिमाग से होगा,
वो नहीं जो आपके इमोशन से निकलेगा। नहीं नहीं मेरे ना ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। नो नो, बच्चे छोटे हों बड़े हों गारंटी नहीं आप लंबा जिएंगे, कोई गारंटी नहीं आप लंबा जिएंगे, बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हों। लेकिन अगर वचन मुंह से निकला मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन, फिर चाहे बच्चे बूढ़े भी हो जाएं आप बूढ़े होंगे उनके साथ और बूढ़े होंगे। क्योंकि अगर विश्वास आपको चंगा कर सकता है तो डर आपको बीमार कर सकता है, डर आपकी फैमिली पे अटैक रख सकता है। वो डर जो आपके अंदर है शैतान उसे सूंघता है और आपके विषय में काम करना शुरू करता है। आप जानते दाऊद, उसकी लाइफ में कितने अटैक हुए, कितनी बार शाऊल उसे मारने के लिए गया, कितनी बार दूसरे राजाओं के वो हाथ में पड़ने वाला था और परमेश्वर ने उसे बचाया, कितनी बार ऐसा हुआ कि मौत इंचिस इंचिस दूर थी, कुछ फुट दूर थी उससे, मौत कुछ फुट उससे दूर थी। लेकिन आप जानते दाऊद क्यों बचा रहा, आप जानते क्यों वो 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीता। आज अगर एक देश दो लड़ाइयां लड़ ले, एक ही लड़ ले, उसकी इकोनॉमी 40 साल पीछे चली जाती है। और एक ऐसा देश जो 66 लड़ाइयां लड़ता है, 66 लड़ाइयां जीत भी जाता है और अपनी इकोनॉमी भी पीछे नहीं आने देता, लड़की आगे बढ़ता है, इसका मतलब परमेश्वर का हाथ उसके कहां था, सिर के ऊपर। पता है क्यों? वो वचनों का परमेश्वर है। अगर आप नहीं हटे, आपने अंगीकार नहीं छोड़ा, तो वो भी पीछे हटने वाला नहीं। भजन संहिता 118 को पढ़ेंगे, उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पता ये कौन कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं। पता कब कह रहे हैं? जब डर ने चारों तरफ से उसको घेरा डाला हुआ था, जब मौत सामने थी, जब राजा इधर बैठा था सामने और मारने के लिए तैयार थे, जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, तब नहीं बोला उसने जब वो अपनी राजगद्दी में बैठा था, 5-7 उसके 1500 2000 उसके पास सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और बंदूकों वाले खड़े थे, और फिर बोल रहा है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ है। उसने तब नहीं कहा, उसने तब कहा जब वो मरने वाला था, उसने तब कहा जब मौत सामने थी, उसने कहा मैं ना डरूंगा। फिर से पढ़ो उस आयत को, यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, कहता मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। उसने वचनों के द्वारा अपने डर को साइलेंस कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे दिल में डर नहीं, उसके दिल में डर था, नहीं तो वो इस विषय पे आता ही नहीं, कहीं किसी और विषय पे बात करता। इसका मतलब उसके दिल में डर था। शैतान आपके दिल में डर डाल सकते हैं, लेकिन वो डर पाप बन जाएगा जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे तब वो पाप बन जाएगा, शैतान के लिए एक रास्ता बन जाएगा। आप बाड़ा तोड़ देंगे और सांप अंदर आएगा डसने के लिए। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रखो, पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप डर लेके आएगा। पाप ये गारंटी आपको नहीं होगी दिल में कि जब शैतान अटैक करेगा परमेश्वर मेरे साथ होगा। पाप करने वालों को यह गारंटी नहीं है कि जब वो वचन बोलेंगे वो वचन उनकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि उनको मालूम है यह नहीं करेगा। वो नहीं कह सकते मैं नहीं डरूंगा, उनको डरना पड़ेगा क्योंकि यह वचन बोला गया उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि यह वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर है। अमेरिका का ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर काम करेगा कि इंग्लैंड में काम करेगा? उसी तरह से ये वर्ड, ये स्पिरिचुअल रूल्स, ये ब्लेसिंग तभी काम करेगी अगर आप परमेश्वर के राज्य के कहां हैं, अंदर हैं तो। पर अगर आप उसके राज्य के बाहर हैं आप कुछ नहीं कर सकते। आप बकरी के बच्चे की तरह हैं जो शेरों के झुंड में जा चुके हैं, अब किस्मत के हाथ में, सरकमस्टेंसेस के हाथ में, आपके हाथ में या परमेश्वर के हाथ में नहीं है। मैं ना डरूंगा वरन, फिर से बोलो, ऑनलाइन देखने की आदत पड़ गई ना, थोड़ा सलाह पैगीत बनूं।